आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे आपको। अभी नमस्ते, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया है। जी सर। सर हम सेशन शुरू करते हैं, इतने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे? ठीक हाँ, बिल्कुल, देख लीजिए, है सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल एकदम। सभी को मेरा नमस्ते। मैं नूपुर बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, संपूर्ण मी के डॉक्टर स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, फोर्थ वेव आ चुकी है। डेली बेसिस पर हम कोरोना के केसेस देख रहे हैं, क्योंकि हम केयरलेस हो गए हैं। केयरलेस हो गए हैं तो कोरोना को भी फैला ही रहे हैं। तो इस फोर्थ वेव से कैसे बचें और क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? जो पिछले तीन वेव्स में हमने डिस्कस करा, अभी हम फोर्थ वेव में कुछ एडिशनल चीज़ों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, जाइएगा नहीं, आप सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबको पता है, एक बार कोरोना हो जाता है तो 15 दिन तो एटलीस्ट वेस्ट होते ही है। ऊपर से आप अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपकी फैमिली सफ़र करती है, इन नटशेल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमें कोरोना से अफेक्ट नहीं होना है। अगर हो गए हैं तो क्या करना है, बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील आर्या। सुनील जी, आपका संपूर्ण मी में बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं धन्यवाद, नमस्कार। आपको माइक हैंड ओवर करने से पहले आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट सेशन है और कितने नॉलेजेबल पर्सन हमारे साथ हैं आज। सुनील जी बाय प्रोफेशन MD पंचगव्य हैं, MD एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेट थेरेपी, MD योगा DPMS। तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आज सुनील जी आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। सुनील जी, ओवर टू यू। धन्यवाद नुपुर जी, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपके सभी जो लोग टीम के मेंबर्स हैं उनका, जो लोग आज दर्शक देख रहे हैं उन सभी का अभिनंदन है। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, इसके लिए भी आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा। आइए, इससे पहले कि आज की चर्चा हम शुरू करें, एक वेद मंत्र के द्वारा हम लोग कनेक्ट होते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ संपूर्ण मी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, अनुपुर जी, और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं पुनः एक बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। विषय बहुत गंभीर, क्योंकि आप हर समय, हर बार जब आप लेके आती हैं तो गंभीर विषय पे ही कार्यक्रम लेके आती हैं, और इस बार जो विषय है वास्तव में वो बहुत गंभीर है। संपूर्ण विश्व में कोविड की चौथी लहर की तैयारियां हो रही हैं। चीन के 27 शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन की दोनों आर्थिक राजधानी, सामाजिक राजधानी शंघाई और बीजिंग में भी, आज मैं न्यूज देख रहा था कि हर प्रकार से सारे स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि अंतिम संस्कारों पे भी रोक लगा दी गई। तो इसका मतलब आने वाला जो समय है वो हमारे लिए कठिन होने जा रहा है। तो भारतवासियों को भी, क्योंकि भारतवासी सदा से ही पूरे संसार को दिशा और दशा देने वाले रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूरे संसार के तुलना में सबसे कम कैजुअलिटी भी हुई है, सबसे कम पीड़ित भी लोग हुए हैं। तो उसका एक कारण है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा आयुर्वेद लगभग 2 अरब वर्षों से इस देश में है, यानी कि जब से सृष्टि बनी 1,96,08,53,123 वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हुए हैं। और तभी से हमारे राष्ट्र में आयुर्वेद के ऋषि, आयुर्वेद के चिकित्सक, आयुर्वेद के उपासक, उन्होंने समय समय पर आकर के आने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में, मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के बारे में, और अनेक प्रकार के जो बैक्टीरिया, वायरस जनित रोग हैं, उनके बारे में हमें समय समय पर अवगत कराया है। और इस तरह की थेरेपियां हमारे देश में इजाद की हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से हम लोग निपट सकते हैं।
कोविड की बात करते हैं तो कोविड 19 जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि 2019 में चीन के वुहान शहर से ये बीमारी शुरू हुई थी। कहने वाले तो बोलते हैं कि बहुत पहले से चल रहा था, मानव निर्मित वायरस है, वुहान की जो लैब है उसके अंदर ये वायरस को तैयार किया गया, छोड़ा गया। खैर उसमें वो हमारा विषय नहीं है, उसमें जो जांच एजेंसियां हैं या जो दूसरे WHO है वो कार्य कर रहे होंगे। हमारा विषय है कि हमारे राष्ट्र के निवासियों को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, किस प्रकार से उन्हें इन बीमारियों से दूर रखा जाए और क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी होंगी जिसके कारण से हम इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। एलोपैथी का आज बोलबाला है, पूरे विश्व में एलोपैथी का ही पहले नंबर पे हम देखी जाती है। तो इस बीमारी को लेकर के हम बात करें तो हमारे एलोपैथी के जो चिकित्सक भाई हैं पूरे विश्व में, उन्होंने जो इस पे कार्य किया है वो कार्य बार बार बदलता रहा। कोरोना के वेरिएंट्स बदलते रहे तो कोरोना का ट्रीटमेंट भी उनका बदलता रहा। सबसे पहले बात करें तो उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से बोला कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। प्रयोग किए गए, बहुत सारे प्रयोग हुए पूरे संसार भर में, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, मौतें होती रही। उसके बाद रेमडेसिविर आया, उसके बाद WHO ने उसको भी मना कर दिया, नहीं जी अभी इसकी कंप्लीट थेरेपी नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन आई, उसको भी बाद में मना कर दिया। आइवरमेक्टिन आई, राइटेनोवीर आया, नाइटाजोक्सानाइड आया, फेवी पायरावीर आई, आर्बिडोल आया, उसके बाद स्टेरॉइड्स आए, प्लाज्मा थेरेपी आई और न जाने क्या क्या करते करते उसने कहा जी वैक्सीन ही इसका तोड़ है। लेकिन वैक्सीन के बाद भी डेथ होती रही और नतीजा जहां से चले थे वहीं पे एलोपैथी के पूरे सिस्टम वहीं पे खड़ा हुआ है आज भी। आज भी उनको नहीं मालूम कि किस प्रकार से इसको हम ठीक करेंगे। अब बात करते हैं अपनी, अपनी मतलब आयुर्वेद की। आयुर्वेद के इतिहास में, क्योंकि ये जो कोविड 19 है इसका नाम नया है लेकिन ये वायरस पुराना है, सार्स कैटेगरी के वायरस जब से सृष्टि बनी है तभी से हैं, और भी तमाम तरह के वायरस, हजारों प्रकार के वायरस प्रकृति के अंदर होते हैं, वायुमंडल में होते हैं और वो किसी ना किसी रूप में हमें परेशान करते रहे। तो कोविड 19 से भी घबराने वाली बात नहीं थी और हम लोगों ने हमारे पंचगव्य से विशेष रूप से बता दूं मैं कि जो पंचगव्य आयुर्वेद के चिकित्सक हैं वो कभी घबराए नहीं। मार्च 2020 में जब ये कोविड की एंट्री भारत में हुई और अच्छी प्रकार से हुई और पहला लॉकडाउन लगा तो हमने और हमारे साथियों ने मिलकर के बहुत सारा इस पे कार्य किया, इसको समझा, इसको समझने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे उनके साथ साथ हम लोगों ने इसमें प्रयास किया कि किस प्रकार से इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अलग अलग वेरिएंट्स आते रहे, अलग अलग समय पर अलग अलग औषधि आती रही, लेकिन हमने जब इसको गहराई से विचार किया, गहराई से देखा तो पता चला कि गौ माता के पास हर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी इस प्रकार के परजीवी पैरासाइट्स होते हैं, इन सबको मिटाने की क्षमता होती है। तो इसमें दो प्रकार की थेरेपी इसमें हमने देखी। पहली थेरेपी है गौ माता के पंचगव्य से इलाज करना, तो उस पर हमने कार्य किया, रिसर्च किया और एक औषधि तैयार की उसी समय वायरक्स के नाम से अपनी। उस वायरक्स औषधि ने जो पंचगव्य से निर्मित थी पूरे देश के अंदर हजारों पेशेंटों की जान बचाई और उन पेशेंटों की जान बचाई जो बिल्कुल बेचारे पूरी तरह से फंस गए थे, जिनके गले चोक हो गए, फेफड़े बिल्कुल चोक हो गए, उनको सांस आने में दिक्कत होती रही, ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनका बुखार नहीं उतरता था, खांसी नहीं रुकती थी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट उस पंचगव्य की कृपा से ठीक हुए। दूसरी इसमें अगर मैं बात करता हूं जो एक नैनो टेक्नोलॉजी थेरेपी है जिसको यज्ञ थेरेपी कहा जाता है, आयुर्वेद में भी है, हमारे वेदों में भी है और हमारी प्राचीन संस्कृति से जब से सृष्टि बनी तब से इस देश में वो यज्ञ थेरेपी, यज्ञ विज्ञान का उपयोग किया जाता रहा है। वो एक नैनो टेक्नोलॉजी है क्योंकि हम बात करते हैं वेदों की तो वेद का पहला ही मंत्र है कि अग्नि मीड़े पुरोहितम। अग्नि जो है इस पूरे संसार की, पूरे भूमंडल की नाभि है, भुवनस्य नाभि, ये भी एक मंत्र आता है। तो अग्नि के अंदर जो भी हम सूक्ष्म चीजें डालेंगे वो बहुत अति सूक्ष्म होकर के पूरे वातावरण में, वायुमंडल में फैल जाती है। तो उसके अंदर क्या क्या डालना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उस पे काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया। मेरे एक मित्र हैं स्वामी कृष्णानंद जी, उन्होंने 2000
मुझे लगता है कि 5-6 से इस यज्ञ थेरेपी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है, और काम साधारण स्तर पर नहीं किया। भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है ICMR, उस संस्था के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के यज्ञ थेरेपी पे काम किया, और यज्ञ के द्वारा सारे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस नष्ट होते हैं, ये उन्होंने बकायदा एक लैब के अंदर एक पूरी मशीनें लगा करके, पूरे इक्विपमेंट्स लगा करके वहां पे कार्य किया। वायरल लोड डाल के देखा, उसको भी ठीक किया। फंगल जितना था, फंगल इन्फेक्शन, उसको भी ठीक किया। वातावरण के अंदर जो गैसें जो होती हैं या जो प्रदूषण पैदा करने वाले पार्टिकल PM2.5, PM10 लेवल होता है, उस पर भी कार्य किया, और सभी में बहुत बड़ी सफलता उनको मिली। तो इत्तेफाक से आज आपका सबका परिचय मैं उनसे कराऊंगा, वो भी आज हमारे पास आए हुए हैं, तो उनसे भी मैं आपकी मुलाकात आज कराऊंगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इस आने वाले समय में, जो गंभीर समय हमारा चल रहा है, इस गंभीर समय में हम कैसे बच सकते हैं, उस पर बात करेंगे पंचगव्य की। पंचगव्य के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो गाय है, भारतीय नस्ल की गाय, इंडिजीनियस काउ, उससे उत्पन्न गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर और गाय की छाछ या दही, इनको हम पंचगव्य कहते हैं। जिस प्रकार से ये पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही प्रकृति बनी है, और इन पंच महाभूतों से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो शरीर में अगर कोई भी विकृति आएगी तो इन पंच महाभूतों के विकृत होने के कारण से ही आएगी। तो इन पंच महाभूतों को हमें बैलेंस बना के रखना होता है, और इस बैलेंस बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें भारतीय देसी गाय दी है। इसके जो गव्य हैं, एक एक गव्य एक एक महाभूत को संतुलित करता है। अब बात करते हैं कि कोविड किसके कारण फैलता है, कोविड का रोग क्या है, यानी कि कफ की विकृति का रोग है, वायु की विकृति का रोग है। वायु और जल, ये दो तत्व जब बिगड़ेंगे, और पृथ्वी तत्व जब बिगड़ा, तीनों तत्व जब बिगड़ेंगे तो हमारे शरीर में कफ बनेगा, कफ बनेगा और सांस की समस्या आएंगी, फेफड़ों की समस्या आएंगी। तो इन सब समस्याओं का इसका मतलब हमारा पृथ्वी तत्व बिगड़ा है, हमारा जल तत्व बिगड़ा है और हमारा वायु तत्व बिगड़ा है। इन सब तत्वों को बचाने के लिए क्या करना है कि गाय का एक एक गव्य हमें उसके रूप में लेना है, जो इन तत्वों को संतुलित करेगा। जैसे अगर जल तत्व विकृत हो जाए तो जल तत्व को शुद्ध करने के लिए संसार में सबसे अच्छा जो जल तत्व है वो है देसी गाय का दूध। लेकिन आधुनिकता के आने के कारण से या वर्तमान समय में गाय की उपलब्धता कम होने की वजह से हम लोग उसको नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से बार बार हमारा जल तत्व विकृत होता है, और जल तत्व विकृत होने से शरीर में कफ बनता है। कफ बढ़ने के कारण से फिर फेफड़ों की बीमारी, सांस लेने की बीमारी, इस प्रकार की बीमारी आती है। तो कोविड का जो वायरस है वो क्या करता है, सर्वप्रथम कोविड का वायरस अगर आएगा तो सांस के साथ आपकी नाक में प्रवेश करेगा। तो नाक में जो पहला हमारा जो सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा कवच यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक होगा, कमजोर होगा, वायरस उस व्यक्ति पर जल्दी अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद उस व्यक्ति को संक्रमित कर देगा। तो करना क्या है, स्टेप टू स्टेप हम समझते चलेंगे कि किस प्रकार से हमें इस वायरस से बचना है और किस प्रकार से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा में करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले वायरस आपके नाक के द्वारा अंदर आएगा, आपके श्वसन तंत्र को डैमेज करने के लिए सर्वप्रथम ये नाक में जाएगा। तो नाक में आपके बिल्कुल सेंटर में एक पर्दा है, आप कभी उंगली से टच करके देखेंगे तो दोनों नथनों के बीच में एक सेंट्रलाइज एक पर्दा होता है। उस पर्दे के ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स हमारी वहां पर तैनात होती हैं, वो कोशिकाएं हमारी तैनात होती हैं, जिनको हमारी एंटीबॉडी भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम्स की जो सेल्स होती हैं, टी सेल्स इनको बोलते हैं, वो वहां पर तैनात होती है। सीधी भाषा में कहें तो वहां हमारे पहरेदार होते हैं। हमारा जो घर है, उस घर का जो सबसे पहला पहरेदार है वो हमारी नाक है। तो उस नाक के अंदर हमारी जो टी सेल्स की होती हैं, जो संरचनाएं होती हैं, वो वहां पर उपस्थित होती हैं। अब उनको मजबूत कैसे रखा जाए, उन पहरेदारों को तैनात कैसे रखा जाए, अलर्ट कैसे रखा जाए, वो हमें सीखना है।
उसके लिए करना क्या, बहुत साधारण सा काम मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे सभी, कि शुद्ध सरसों का तेल लेना है, मिलावटी वाला नहीं लेना, शुद्ध सरसों का तेल लेना है, हथेली पर लेकर के उंगली की सहायता से और नथुनों में डाल के हल्के 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 हाथ से उस पर मसाज करनी है, इधर से भी और इधर से भी। और कब तक करनी है, जब तक कि आपके नथने के अंदर से जैसे शीशे पे घुमाने वाली आवाज होती है चर्र चर की आवाज, बिल्कुल सफाई ना हो जाए, वहां पर जो जमा हुआ थोड़ा बहुत कफ है वो वहां से हट जाएगा और सरसों के तेल के कारण से आपके शरीर के अंदर की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, अर्थात वायरस जैसे ही वहां पे प्रवेश करेगा वो टी सेल्स, वो हमारे सैनिक उस वायरस को वहीं पर खत्म कर देंगे। और वहीं पर खत्म करने का कारण यह है कि आपको बार बार जो जुकाम होता है, जब वायरस अटैक करता है तो सबसे पहले क्या होगा, जुकाम होगा, आपकी नाक बंद होगी, और नाक बंद होने का कारण यह है कि जैसे ही वो वायरस हमारे नाक के अंदर घुसेगा तो हमारी जो संवेदी संरचनाएं हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं। म्यूकस का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कोई दुश्मन अंदर घुसा तो उसके ऊपर जाल डाला जाता है ताकि उसको वहीं पकड़ लिया जाए, तो वो जाल किसका होता है, आपके म्यूकस का। तो जैसे जैसे वायरस आएंगे वैसे वैसे हमारी जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस रिलीज करेंगे और वहां पे बहुत सारा वो कफ के रूप में वो जमा होता चला जाएगा। ये गलत नहीं है, जिस व्यक्ति को जुकाम हो रहा है समझिए उसका इम्यून सिस्टम ठीक काम करता है। फिर क्या करते हैं, हमारी गलती क्या करते हैं कि एलोपैथ वाले पास जाएंगे, कहते जी मेरी नाक बंद हो गई, जुकाम हो गया, तो क्या होगा, उसको जुकाम यानी कि म्यूकस रोकने वाली दवाई दे दी जाएगी ताकि कफ ना बने, म्यूकस ना बने, और इस प्रकार से वो वायरस को एक रास्ता मिल जाता है। वायरस वहां से जब कफ ग्लैंड आएंगी नहीं, कफ बनेगा नहीं, तो वायरस वहां से एंटर कर जाएगा और उसके बाद आपके थायराइड ग्लैंड के पास अंदर गले में प्रवेश कर जाएगा। गले में प्रवेश करने के बाद वहां पर फिर हमारे दूसरा सुरक्षा कवच होता है, फिर उन वायरस को रोकने के लिए, वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का दूसरा पहरा वहां पे मौजूद होता है, फिर वो प्रयास करता है। अगर वो भी हार गया, आपका इम्यून सिस्टम वहां पे भी हार गया, तो फिर वायरस आपकी श्वास नली में प्रवेश कर जाएगा और श्वास नली में प्रवेश करके फेफड़ों की जो ब्रॉन्चीज होती हैं, श्वास नलिकाएं होती हैं, वो उनके अंदर एंटर कर जाएगा और वहां से फिर आपके जो जितने भी आपके बैलून्स, एयर बैलून जिनको बोलते हैं, ब्रोंकाइलस भी बोलते हैं उनको, साथ में फिर एल्वियोली बोलते हैं, यानी कि श्वास की जो फेफड़ों के अंदर जो कोष्ठक होते हैं, एयर कोष्ठक जिनको बोलते हैं, उन एयर कोष्ठक के अंदर वो वायरस जैसे ही पहुंचेगा और वहां पे अटैच होकर के वहां पे फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है बहुत तेजी के साथ। इस वायरस की खासियत ये है कि एक बार ये अंदर प्रवेश कर जाए तो बहुत तेजी के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, विघटित होते रहते हैं इसके सेल्स और बहुत सारे वायरस वहां पर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके फेफड़ों के अंदर जो एयर बैलून्स हैं, जो वायु कोष्ठक हैं, उनको ये चोक कर देता है और उस चोक करने के कारण से हमें श्वास आना कम हो जाता है और अगर उसको समय पर उस संक्रमण को ना रोका जाए तो धीरे धीरे व्यक्ति मौत की गोद में चला जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इतना खतरनाक ये वायरस है, इसको रोकने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो प्रतिदिन हम लोगों को स्नान करते समय नाक के अंदर सरसों के तेल की मालिश करनी, पहला काम। दूसरा काम, नियमित रूप से पंचगव्य का सेवन हमें करना है। पंचगव्य में क्या क्या आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि गाय का दूध, वो भी देसी गाय का दूध, देसी गाय की छाछ, देसी गाय का घी और देसी गाय का गोबर और गोमूत्र। तो गोबर तो कहेंगे खा नहीं सकते हम, सीधे नहीं ले सकते, तो उसका एक भस्म बना करके लेना उसमें आता है, या हमारी जो औषधियां होती है उसमें भी वो होता है। तो इस प्रकार से पांचों तत्वों को हमें नियमित रूप से अंदर लेते रहना है, अपने शरीर में धारण करते रहना है। इस प्रकार से जब हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारे चौकीदार मजबूत हो जाएंगे, तो वायरस का चाहे कोई भी वेरिएंट हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, लैम्डा हो, ओमिक्रोन हो, या अब एक्सी मॉडल आ गया है, जैसे कारों के नए नए मॉडल आते हैं ना, ऐसे ही कोरोना वायरस के भी नए नए मॉडल आ रहे हैं। तो इन मॉडल्स को, यानी कि इन जो वेरिएंट्स हैं, जो एलोपैथी वर्ल्ड के सारे साइंटिस्टों को जिसने नींद उड़ा रखी है, उससे आप बहुत ही आराम से, बहुत ही नेचुरल रूप से उससे बच भी सकते हो और अपने परिवार को, अपने समाज को भी बचा सकते हो। दूसरा काम है कि प्रतिदिन अपने घर में अग्निहोत्र करना शुरू कर दें। जो चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो, उसको नियमित रूप से अपने घर में देसी गाय के घी से संविधाएं ले सकते हैं, आम की, पीपल की, नहीं मिले तो गाय के गोबर की बनी हुई संविधाएं भी ले सकते हैं। उसके बाद शुद्ध सामग्री, शुद्ध सामग्री में क्या है कि इस समय जो औषधियां हैं
जैसे नीम है, तुलसी है, गिलोय है, वच है, उसके अलावा आपका चिरायता है, मुलेठी है, इन सब औषधियों को बिल्कुल शुद्ध रूप में लेकर के, साथ में जो ताकत देने वाली औषधियां जैसे किशमिश है, छुआरा है, बादाम है, अखरोट है, इन सबको उसमें मिला करके, अक्षत है, चावल उसमें मिला लीजिए, और गुड़ या खांड उसके अंदर मिला लीजिए। तो ये जो सामग्री आप शुद्ध रूप में तैयार करेंगे अपने घर में, इससे ही, क्योंकि अग्नि का गुण होता है कि जो भी आप अग्नि के अंदर डालेंगे वो हजारों गुना लाखों गुना सूक्ष्म होकर के वातावरण में फैल जाती है और बहुत ही नैनो रूप में वो काम करती है। तो इस अग्निहोत्र को भी प्रतिदिन आप अपने घर में जरूर करना शुरू कर दीजिए, और दावा है कि आपका परिवार, आपका घर उस रोग से कभी संक्रमित नहीं हो सकता। केवल कोरोना की नहीं, जितने भी वायरल रोग होते हैं, जितने भी फंगल रोग होते हैं या बैक्टीरिया वाले रोग होते हैं, उन सब से आपके पूरे परिवार की सुरक्षा इस अग्निहोत्र के जरिए हो जाएगी। और इस पे साइंटिफिक बहुत सारा मैंने अभी बताया था काम हो चुका है, उस साइंटिफिक काम के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से लोग इसको जो है ना अपना करके पूरे विश्व को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें भारत से शुरुआत करनी है, अपने देश को बचाना है, और उसके बाद हम आगे ग्लोबल की बात करेंगे, दूसरे विश्व के दूसरे लोगों की बात करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार का स्वास्थ्य हमें स्वयं को ही बचाना होता है। तो पंचगव्य के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और अग्निहोत्र के द्वारा, ये तीन चीजें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। चौथी चीज क्या है कि अपना आहार विहार और दिनचर्या, जो सबसे खतरनाक चीज होती है कि जब हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो रोग हमारे ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो हमें अपने विचारों को मजबूत करना है, अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को भी हमें मजबूत करना है। उसके लिए नियमित रूप से प्राणायाम करना। प्राणायाम कब करेंगे? जब वायु शुद्ध होगी। अगर वायु में आपके पहले बैक्टीरिया वायरस हैं और आप उस समय प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस बहुत तेजी के साथ आपके अंदर आ जाएंगे। तो पहले वातावरण को शुद्ध करना है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहले अग्निहोत्र करें, अग्निहोत्र के बाद आप प्राणायाम करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी जो जीवनी शक्ति है, जिसको वाइटल फोर्स भी आजकल लोग मानते हैं, दूसरे हमारे होम्योपैथी के साथी भी, वाइटल फोर्स आपकी जीवनी शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि उससे कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र के बाद प्राणायाम करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपका आहार, आपका जो भोजन है वो बहुत संतुलित होना चाहिए। भोजन के कारण से ही सारे रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ध्यान करना है कि समय पे हम भोजन करें। आजकल जो स्थिति, महानगरों की स्थिति है, वो बहुत बिगड़ चुकी है। 2 बजे 3 बजे रात को जाकर के सोते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठते हैं। उसके कारण से हमारे पूरे शरीर की जो पंच तत्व है, जो पंच महाभूत है, वो विकृत हो जाते हैं। समय पर हमें ध्यान रखना है कि हर कार्य हमें समय पर करना है। उठने का समय सुबह 3 से 5 का है, तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में सुबह हमें अवश्य ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमारा दिनचर्या करने का कार्य है, उठते ही उषापान करना है, पानी पीना है। पानी कैसा पीना है? अभी अगर वायरस का खतरा है तो तुलसी वाला पानी, समय इस समय है मिट्टी का मटके वाला, मिट्टी का मटका घर में रख लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, सहजन की फलियां डाल सकते हैं, तो वह पानी आपका अमृत पानी बन जाएगा। थोड़ा सा अदरक के उसमें टुकड़े डाल सकते हैं, अमृत पानी बनाना है। पानी जो पीना है हमें, क्योंकि हमारी जो शरीर है उसमें लगभग 70% जल है और 30% दूसरे तत्व, तो जल को हमें बहुत ही सोच समझ कर ग्रहण करना चाहिए, जल की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो जल को शुद्ध करके सबसे पहले उठते ही उषापान करना, जल पीना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और जल भी, क्योंकि अब वायरस का खतरा बढ़ रहा है, तो मैंने बताया तुलसी, अदरक, सहजन, ये सब उसके अंदर डाल दीजिए रात को, और वही जल का प्रयोग आप करिए। उस प्रकार से आपका जो जल जैसे अंदर जाएगा, आपके शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने वाली शक्ति है, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। यहां से शुरू करेंगे। उसके बाद भोजन का जो समय है, प्रातः 9 बजे तक सुबह का भोजन हमें अवश्य कर लेना चाहिए। जो 9 बजे तक भोजन कर लेते हैं उनकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। चबा चबा के भोजन करना है, भोजन के साथ जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं ना, खाते हैं और साथ में पीते भी रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपके जो लार बनती है, लार के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वो उस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं।
पानी पीने से वो सारे एंजाइम जो है डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आपकी पाचन व्यवस्था वहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो भोजन का समय ध्यान रखिए, 9 बजे तक हमारा भोजन अवश्य हो जाए। भोजन में हमारे क्या क्या तत्व हों, हमारे सलाद हमारी होनी चाहिए मौसम के अनुसार, फल होने चाहिए और छाछ होनी चाहिए। अब गर्मी है तो दही होनी चाहिए, तो दही, फल और सलाद ये सुबह के भोजन में हमारे अवश्य होने चाहिए। दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच में हमें कर लेना चाहिए। शाम का भोजन शाम को 7 बजे से पहले पहले सायंकालीन भोजन भी हमारा होना चाहिए, और शाम को बहुत हल्का भोजन हम लोग करें। इस प्रकार से जो दिनचर्या आहार है उसको अगर हम सुधार लेंगे तो आने वाले जो कठिन समय हमारे पास, अभी हम जैसे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आने वाला है उस समय का मुकाबला के लिए हमें अभी से तैयार हो जाना है, अपना खाना ठीक कर लेना है। और दूसरा सबसे बड़ा कार्य क्या करना है कि रात को अधिकतम 10 से 10:30 के बीच में सो जाना। जो लोग 2 बजे या 3 बजे सोते हैं वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, वो हमेशा बीमार रहेंगे, कुछ ना कुछ बीमारियां उनके अंदर रहेंगी, क्योंकि शरीर के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, वो विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, हमारे ही विरुद्ध हमारे अंग कार्य करने लगते हैं। तो उसको उस दिशा में भी हमें नहीं लेके जाना है। तो खाना ठीक करना है, दिनचर्या ठीक करनी है, और पंचगव्य का उपयोग अपने भोजन में जरूर करना है। रात्रि सोने से पहले एक काम अवश्य करना है सबको, कि देसी गाय का दूध कम से कम 300 से 400 ml, यानी कि एक बड़ा गिलास, उसके अंदर 10 ग्राम गाय का घी और 1 चुटकी हल्दी, ये अवश्य हमें लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर अपने शरीर को मजबूत बनाना है तो नेचुरल रूप से जो एंटीबायोटिक है वो हल्दी होती है, तो हल्दी को दूध में जब हम मिलाते हैं और घी का उसमें समावेश कर देते हैं तो ये बहुत जबरदस्त ऊर्जा देने वाला एक हमारा पेय तैयार हो जाता है। तो इस पेय का हमें प्रयोग करना है, और रात को सोने से पहले यानी कि 9 से 9:30 के बीच में वो दूध हमें पी करके सो जाना है। तीसरा काम क्या करना है कि देसी गाय का शुद्ध घी, वैसे तो उसमें पंचगव्य होता है, वो तो बेस्ट वही है, जिसको मिल जाए वो पंचगव्य औषधि ले लें, जिनको नहीं मिल सकता वो देसी गाय का शुद्ध घी 2-2 बूंद अपनी दोनों नथनों में डाल के सोए, 4 से 5 बूंद गाय का देसी घी अपने नाभि में डाल के सोए। तो इस प्रकार से आपका जो नाभि तंत्र है, नाभि क्या कहते हैं, 72,000 जो हमारी नाड़ियां हैं उन सबका जो सेंटर है, केंद्र है, वो हमारी नाभि होती है। तो उन नस नाड़ियों को मजबूती देने के लिए, उन नस नाड़ियों में शक्ति देने के लिए नाभि के अंदर भी रात को देसी गाय का घी डाल के हमें सोना चाहिए। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, भोजन के साथ पानी नहीं पियेंगे, भोजन के 1.5 घंटे के बाद ही पानी हमें पीना है। भोजन के अंदर ध्यान क्या रखना है कि कोल्ड ड्रिंक्स, जो जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स है, उनको बिल्कुल हमें अवॉइड कर देना है। प्राकृतिक फल, प्राकृतिक सब्जियां, प्राकृतिक दालें, अनाज, इन सब का हमें सेवन करना है। तीसरा जो ध्यान रखने वाली बात है कि रिफाइंड तेल का प्रयोग हर घर में होने लगा है, तो रिफाइंड तेल भी हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है, उसको जरूर हटा दें अपनी रसोई से, रिफाइंड तेल हटा दीजिए। तीसरा नमक जो है, अगर आप समुद्री नमक खाते हैं तो बहुत प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में अपने आप आने लगती हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हटाने के लिए केवल नमक बदल देंगे तो बहुत सारी, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई बीपी जिसको रहता है, वो नमक बदलने से ठीक होने लग जाएगा। डायबिटीज वालों को डायबिटीज ठीक होने लग जाएगी, जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो घुटनों के दर्द में ठीक उनका आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अल्जाइमर वाले, जिनको भूलने की बीमारी है, कुछ भी घर से काम के लिए निकलते हैं भूल जाते हैं, तो उनको भी फायदा होगा एक छोटे से नमक बदलने से। तो सेंधा नमक का प्रयोग आप करिए, समुद्री नमक का प्रयोग नहीं करिए। चौथा है कि बर्तनों का उपयोग बहुत सोच समझ के करिएगा, आपकी रसोई के अंदर कोई भी एल्युमिनियम के बर्तन ना हो। एल्युमिनियम जैसे गर्म होकर के जाएगा तो बहुत सारी जहरीले गैसें बनती है, वो हमारे भोजन के अंदर मिलकर के हमारे शरीर को डैमेज करती हैं, तो एल्युमिनियम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, मिट्टी के बर्तन लीजिए, लोहे के बर्तन ले लीजिए, कांसे के बर्तन ले लीजिए, पीतल के बर्तन में बना लीजिए, इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। कुछ भी ना मिले तो स्टील के बर्तन तो है ही, तो इन सब का भी हमें बहुत छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना है। आने वाली जो कोविड की समस्या है इससे हम पूरी तरह से बच के रहेंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। आप पंचगव्य का प्रयोग करिए, आप भोजन और दिनचर्या अपनी ठीक कर लीजिए, और अग्निहोत्र प्रतिदिन करिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी देश में जो जिसके घर में अग्निहोत्र होगा, जिसके घर में पंचगव्य का प्रयोग होगा, उस घर में कोविड प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं हमारे देश के वो शख्सियत
जिन्होंने अपना जीवन बहुत छोटी उम्र में संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण करने के बाद अपने जीवन को इस देश के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। मैं स्वागत करता हूं स्वामी कृष्णानंद जी, कृपया एक बार आप आ जाइएगा। स्वामी जी स्वागत है आपका। आप हैं स्वामी कृष्णानंद जी, आप बीकानेर से पधारे हुए हैं और यज्ञ विज्ञान के ऊपर भारत सरकार के जो ICMR विभाग है, परिवार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, इसी तरह कई सारी जो जयपुर यूनिवर्सिटी है उसके जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ मिलकर के यज्ञ विज्ञान के ऊपर आपने बहुत सारा शोध कार्य किया है। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा संक्षेप में थोड़ा अग्निहोत्र अपने कार्य के बारे में बता दे ताकि आज इस कार्यक्रम में सबको मालूम भी हो जाए। अनुपुर जी मैं जोड़ रहा हूँ आपको। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है संपूर्ण मी में। आज हम बहुत सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि आप यहाँ आए और आपसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूँगी, टाइम बहुत कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं, तो कृपया करके आप शुरू कीजिए। वैसे तो सुनील जी ने परिचय दे ही दिया है। मैं 2011 से ICMR के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस और समस्त प्रकार का जो पॉल्यूशन है उस पर काम हुआ है। उसके पश्चात DGICMR VM का टोच जो COVID-19 के ट्रायल की कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में एक ICMR का एक यूनिट है, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करती है। उसके माध्यम से वायरस पर काम हुआ है SMS मेडिकल कॉलेज में। तो वहां पर हमने जो काम किया है हवन के माध्यम से, तो जो TB का जो बैक्टीरिया होता है FDR और TDR, जिसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, वो हवन से आध घंटे में नष्ट हो जाता है हवन की धूम्र से। और जो डेंगू है, N1H1 है और अन्य प्रकार के जो वायरस हैं वे भी खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और इनका हमने पेटेंट भी करवा लिया है, भारत सरकार ने भी करवा लिया है। तो इस प्रकार से ये हवन के माध्यम से जो काम हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रक मापदंडों पर हुआ है। इसमें सभी जो WHO है, अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी जो भी मापदंड हैं उन सब पर इनको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया और ये एक विश्वस्तरीय काम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हवन के माध्यम से लेड, आर्सेनिक, निकिल, क्रोमियम जैसे PCBs, PHS जैसे पोल्यूटेंट्स खत्म हो सकते, तो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया की फिर हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए हवन करने मात्र से इस समस्त प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, मक्खी और मच्छर और पोल्यूटेंट्स और जो अनेक प्रकार के जो प्रकृति को असंतुलन करने वाली जो जो मान के चलते हैं कि जो बुराइयां हैं जिनको हम मनुष्य के लिए हानिकारक जो विचारधारा है, सामाजिक प्रदूषण हो, जो भी हो, वो उन इस प्रकार से सबको नष्ट कर देता है। हमें हवन प्रतिदिन करना चाहिए। एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, जो एलोपैथी में जो ऑपरेशन करते हैं उसको ये कई प्रकार के एजेंट होते हैं, उनको स्टेरिलाइजेशन करने के कई प्रकार के एजेंट होते हैं, जैसे फॉर्मेलिन गैस होती है, उस वो पाउडर टाइप में भी होता है, गैस की टाइप में भी होता है, उसको वो 24 घंटे पहले उसको छिड़क करके उस कमरे को, उस ओटी को बंद कर देते हैं, फिर 24 घंटे बाद उसको खोलते हैं, फिर उसके अंदर ऑपरेशन करते हैं। ये जो कार्य है ये हवन केवल 30 कम से कम 30 मिनट और अधिकतम 1 घंटे में ये सारा काम कर देता है और उसमें 7 दिन तक कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कम से कम 7 दिन तक कोई पनप नहीं सकता है, आगे भी उसका प्रभाव बना रहता है। और इससे ये 10 से 15 गुना सस्ता भी पड़ता है और ये पूरी प्रकृति के लिए इको फ्रेंडली है, अर्थात वातावरण को बहुत अच्छा बनाता है।
बस बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, बस इतना ही परिचय बहुत रहेगा। और नुपुर जी, आपने देखा कि स्वामी जी ने वास्तव में धरातल पे कार्य किया है और पूरे वैज्ञानिक मापदंडों के साथ कार्य किया है। यज्ञ को जो कुछ लोग बोलते थे कि भाई अग्निहोत्र से कुछ होने वाला नहीं है, अभी उन्होंने सिद्ध कर दिया है। बकायदा उसके रिपोर्ट्स हैं, पूरी थीसिस है, और ये साबित कर दिया है कि अग्निहोत्र एक नैनो टेक्नोलॉजी, ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए नहीं, वनस्पति के लिए नहीं, पूरे के पूरे पर्यावरण के चक्र को संतुलित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें बहुत सारे कार्य हुए हैं, अभी बहुत सारी शोध आगे चल भी रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अग्निहोत्र चाहे छोटा करिए, जैसे स्वामी जी ने अभी बताया, आप आधा घंटा करिए, 15 मिनट कर लीजिए, गाय के थोड़े से घी से कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। थोड़ा सा करने से भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, और ये कोरोना वायरस से तो 100% आप सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग शायद सवाल पूछते हैं आपके कार्यक्रम में, तो उनको भी इन्वाइट कर लीजिएगा, इसके कोई प्रश्न है तो उनका जवाब भी हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर आर्य जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और सब कुछ हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, सब कुछ हम जानते हैं, बस भूल गए हैं। लोग आजकल एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं कि इंस्टेंट एकदम से आराम हो जाए, इसी में ही सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। जो आयुर्वेद आपके पास पहले से है उसके पास वापस जाइए, वही आपको रोग मुक्त करेगा। और ये बातें तो हम कब से सेशंस कर रहे हैं और कब से ये बात सुनते आ रहे हैं कि पहले चालू हुआ कि रिफाइंड तेल में खाते हैं, धीरे धीरे पता लगा रिफाइंड तेल तो ख़राब होता है और वापस से हम सरसों के तेल पर आ गए हैं। पहले धीरे धीरे शौक शौक में आइसक्रीम शुरू करी, फिर पता लगा कि अरे आइसक्रीम तो गंदी होती है, धीरे धीरे अब हम उसको छोड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने फ्रिज का पानी पीना शुरू करा, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, गले को बड़ा आराम मिल रहा है। फिर पता चला अरे फ्रिज का तो पानी ख़राब होता है, फिर वापस से मटके पर आ रहे हैं। तो वापस तो घर आना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहोगे। और हमारा घर हमारा आयुर्वेद है, एलोपैथी संसार है। आप संसार में हमेशा नहीं रह सकते, आप कुछ टाइम के लिए तो जा सकते हो घूमने के लिए, ठीक है रोज की मर्रा से कुछ अलग हो जाए, लेकिन आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हो संसार में। घर लौटना पड़ेगा, अपने आयुर्वेद के पास वापस आइए, और ठीक होने के साधन हैं सारे हमारे पास। चलिए, अभी हमारे व्यूअर्स के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, आप डॉक्टर आर्यस जी से पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और सर, उससे पहले एक क्वेश्चन अभी अभी एक पार्टिसिपेंट का आया है, वो पूछना चाहते हैं कि फोर्थ वेव कब हिट करेगी इंडिया को। दुश्मन का स्वागत नहीं किया जाता, दुश्मन से निपटने की तैयारियां की जाती हैं, और जब हमारी तैयारियां पूरी हों तो फिर जब मर्जी आ जाए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी चीन में, पड़ोसी देश में बिल्कुल बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, बाकी दूसरे देशों में भी कर रहा है, लेकिन भारत में, क्योंकि भारत का आयुर्वेद बहुत मजबूत है, तो शायद वायरस भी डर रहा होगा कि भारत की तरफ कुछ ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अपनी दाल गलने वाली नहीं है। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, हमें पहले से अपनी तैयारी रखनी चाहिए, और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जो जो हमने आज चर्चाएं की हैं उनको घर में अपनाना शुरू करेंगे तो फोर्थ वेव मुझे लगता है कि भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। जी हाँ, वैसे ये पूछना क्यों है कि कब आएगी फोर्थ वेव, अरे आनी ही क्यों है, आप उसको आने ही क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इंतजार करना ही क्यों है, उसे आने ही मत दो ना, उसको तो से बाहर करो। नहीं भाई, यू आर नॉट वेरी दिखता हो कि दुश्मन आने से पहले 1000 बार सोचे भाई इधर जाए कि नहीं जाए, जाएंगे तो मरना है इधर। तो भारत का एक सांस्कृतिक आयुर्वेदिक विरासत है, उसको उस पर विश्वास रखिए, उस पर चलिए, उस जो जो विधि बताई गई है उन विधियों पे आप काम करना शुरू करिए, तो मुझे लगता है कि इधर फोर्थ वेव इधर आने वाली नहीं है फिर, और आएगी तो कोई प्रभाव नहीं कर पाएगी। जी वही, मतलब आप खुद सोचिए, जब कोई भी वेव आती है कितना नुकसान होता है। सोचिए, जो अमीर लोग हैं वो लोग तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए कितना मुश्किल है, हम लोग शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम आराम से 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं,
जिनको नहीं मिल रही है उनके बारे में सोचिए, खाली पेट सोना कितना मुश्किल होता है। ही कोशिश कीजिए कि फोर्थ वेव आए ही ना, पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर चलिए। आपका तो शायद कुछ ना जाए, आपके पास साधन है, आपके पास सेविंग्स है, अगर 2 महीने की नौकरी चली गई, 3 महीने की चली गई या कुछ भी हुआ, शायद हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो सड़क पे सो रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो रोज़ मजदूरी करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें आने ही नहीं देना है। अभी सर मैं आपको बताती हूँ मैं हमारे आसपास क्या देख रही हूँ। मैंने जो नोटिस करा है, मुझे अभी दोबारा कोरोना होकर के चुका है, मैं इसीलिए सेशंस नहीं ले पा रही थी। पिछले मैंने 2-3 सेशंस मिस करे क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। मैं अपने आसपास देख रही हूँ, एक तो सबने, जैसे हमें कोरोना हुआ, कोरोना था नहीं इतना ज़्यादा फिर भी हो गया, तो ऐसे हमें ट्रीट करा जैसे हम एलियंस हो गए हैं। ठीक है, छुआछूत वाला बिल्कुल सिस्टम हो गया। और हो क्या रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें बुखार हो रहा है और वो ये कहते हैं हम नहीं कराएंगे कोरोना का टेस्ट, बेकार में पॉजिटिव आएगा, 14 दिन का क्वारंटीन होना पड़ जाएगा, इससे तो अच्छा अपना ऐसे ही दवाई खाते रहो, ठीक हो जाएगा, वैसे भी कुछ होना तो है नहीं इससे। अरे आपको कुछ नहीं होना, आपने 10 लोग और बीमार कर दिए भाई। टेस्ट कराइए, टेस्ट नहीं कराना है मत कराइए, अपने घर में एटलीस्ट क्वारंटीन तो कीजिए, शायद आपको हार्मफुल ना हो। हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति से आप टकरा जाए जिसको 1000 बीमारियां हैं, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, आप बच जाओगे। अगर वो व्यक्ति नहीं बच पाया तो आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्टली किसी के लिए परेशानी बन रहे हो। तो ये ट्रेंड चल रहा है सर आजकल, हम टेस्ट नहीं कराएंगे, हम टेस्ट नहीं कराएंगे, पॉजिटिव आएगा और हमें क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो आपने बीमार ही क्यों होने दिया अपने आप को, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो क्वारंटीन हो जाइए, आपके 15 दिन की बात है, किसी की जिंदगी की बात है, आप अपने 15 दिन नहीं वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ हम खेल सकते हैं। देखिए हमारे आजकल की सोच क्या हो गई है। तो प्लीज फोर्थ वेव को मत आने दीजिए, बहुत से लोग हैं जो बिखर जाएंगे फिर से, तो हमें नहीं आने देना है फोर्थ वेव। इसकी बार हमने देखा, सभी ने देखा कि किस प्रकार से लोगों के काम बिल्कुल खत्म हो गए थे, लोग बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में आ गए थे, मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे लगता है कि कोविड से इतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी हमारी मानसिक तनाव के कारण से ब्रेन हेमरेज हुआ, लोगों का अटैक आया। और अभी मैं आपको एक दृष्टांत और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं देश में, बहुत सारे हमारे युवा चले गए हैं वैक्सीनेशन के बाद भी चले गए हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं कि कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक हार्ट अटैक आया और चले गए। तो उसके जब हमने अध्ययन किया तो पाया कि जो हम वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रही है, कहीं पूरी दुनिया में हो रही है, वो सुरक्षा के लिए, कोविड के लिए तो सुरक्षा दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें भी, साइड इफेक्ट्स जो उनके हैं, जो कि उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, भारत बायोटेक की वेबसाइट पर जाएंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें क्लोटिंग हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, नोजिया हो सकता है, इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया। जब देखा कि इस प्रकार से हो रहा है, मेरे एक साथी हैं जो एक योग अध्यापक हैं योग के, और पिछले लगभग 35 वर्षों योग कराते हैं, खुद भी करते, 3 से 4 घंटे प्रतिदिन योग करते थे, लेकिन उनको फर्स्ट वेव में भी कोविड हुआ, सेकंड वेव में भी कोविड हुआ, उन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज ली, वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोविड हुआ, उसके बाद बूस्टर डोज लगाई उनको, अभी जनवरी को, 15 जनवरी को बूस्टर डोज लगी और 20 जनवरी 2022 को उनको स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालाइज हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब एडमिट करा करके पूरी उनकी जांचें कराई गई तो पता चला कि एक तो लंग कैंसर है, दूसरा ब्रेन में भी कैंसर ट्यूमर बन गया है और एक कैंसर हो गया। जो 35 साल से योग टीचर रहा हो, उसकी नियमित दिनचर्या रही हो, लेकिन उसको भी हुआ। अब मेरी उनसे बात होती है लगातार, भाई आप कैसे हो सकता है आपको, कहते जी मुझे तो वैक्सीन के बाद ही गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। अब जरूरी नहीं कि सभी में वो दुष्प्रभाव आए, लेकिन कुछ लोगों में वैक्सीन को जो नहीं झेल पा रहे उनके अंदर ये क्लोटिंग बनना, नोजिया हो जाना और स्ट्रोक आना, ये एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इससे भी हमें बचना होगा। वैक्सीन जरूरी है, ठीक है लगवाइए, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचने का रास्ता भी आपको चुनना पड़ेगा। और उस पर भी जब हमने शोध किया, रिसर्च किया, तो उसके लिए भी पाया गया कि जो पंचगव्य है वो उससे भी हमें बचाएगा, यानी कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी हमें पंचगव्य बचाएगा। उसके लिए हमने एक विशेष तौर से एक औषधि तैयार की, उसका नाम रखा है संजीवनी रस। तो वो उस एंटी क्लोटिंग उसके अंदर है, यानी कि उसको आप पियेंगे तो जो बॉडी के अंदर जितनी भी क्लोटिंग हो रही है वो तुरंत उससे राहत दिलाएगा,
उसको डिजोल्व कर देगा और इस प्रकार से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से आप लोग बच पाएंगे। तो उस पर भी हमने काम किया, पंचगव्य की औषधि तैयार हो गई है, पूरे भारत में बहुत सारे लोग उसको बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं और भी जो पंचगव्य के जो चिकित्सक हैं वो भी बना रहे हैं। कोटा में डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया उस पर, कोटा जो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हम लोगों ने काम किया है। तो ऐसी चीजें भी पंचगव्य की जहां से आप लोगों को मिले वो जरूर लीजिए, वो नियमित रूप से एक टॉनिक के रूप में उसको लेते रहेंगे तो जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनसे भी आप लोग बच पाएंगे। तो उसका भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपको लेते रहना है ताकि आपके क्लोटिंग से और इस प्रकार के जो अटैक्स आ रहे हैं उनसे भी आपका आपको सुरक्षा मिलती रहे, उसका भी ध्यान रखिएगा जी। और कोई क्वेश्चन है तो बात करें, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक लेते भी समय तो है हमारे पास। नहीं सर, आप चाहें तो आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पंचगव्य के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पंचगव्य जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो प्राचीन काल से हमारे देश में थी, लेकिन बीच में जो गुलामी के काल आए, मुगल काल रहा, 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने झेली, 800 साल मुगलों की गुलामी, उसके बाद 200 वर्ष हमारे अंग्रेजों की गुलामी, उस गुलामी के काल में जो भी आयुर्वेद के हमारे ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया गया। बहुत सारी विधाएं जो हमारे देश में प्रचलित थी, गाँव गाँव में गुरुकुल हुआ करते थे, गाँव गाँव में औषधालय हुआ करते थे, गौशालाएं हुआ करती थी, वो सारी सिस्टम हमारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और सिस्टम के नष्ट होने से हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा थी वो भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। उसके स्थान पर आपकी एलोपैथी ने हमारे यहाँ पे पसारा, हमारी जो शिक्षा गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न करके कॉन्वेंट शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में लाई गई और हमारा पूरा इतिहास बदल करके एक ऐसा इतिहास हमारे सामने रखा ताकि लोग अपनी संस्कृति से बिल्कुल ना जुड़ पाए। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उन शिक्षा व्यवस्थाओं में जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रांताएं थे, जो विदेशी लोग थे उनको महान बता दिया गया और जो उनसे लड़े, जिन्होंने मुकाबला किया, महाराणा प्रताप जैसे लोग, उनको कहीं स्थान नहीं मिला हमारे इतिहास में। उसकी एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें बदली गई ताकि हमारे देश के लोग अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से ना जुड़ पाए और अपने को दीनहीन समझते रहें। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे सुश्रुत जो आचार्य सुश्रुत हुए हैं, जो सबसे पहला जिनको सर्जन कहा जाता है, सर्जरी में जो आज हम एलोपैथी पे डिपेंड है उसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में सर्जरी हुआ करती थी और ऐसी सर्जरी की टेक्निक्स थी कि युद्ध होते थे बड़े बड़े और युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे, हाथ पैर कट जाते थे, शख्सत विशेष हो जाते, रात के रात में हमारे जो सेना के साथ वैद्य हुआ करते थे वहीं पे और वो सर्जरी करते थे, उनकी रातों रात सर्जरी करते थे और सुबह तक वो फिर इतने ठीक हो जाते कि सुबह फिर युद्ध के मैदान में पहुंच जाया करते थे। इतनी एडवांस सर्जरी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे आयुर्वेद में रही, लेकिन समय के कारण से, गुलामी के कारण से वो सारी टेक्निक्स, वो सारी हमारी विधाएं नष्ट कर डाली गई। तो उनको वापस लाने की आवश्यकता है, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है और हम कर रहे हैं। इसी तरह से जो आयुर्वेद के बेसिक फॉर्मुलेशंस थी उनमें परिवर्तन कर दिया गया। अभी आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं जी मैं 2 साल से दवाई खा रहा हूँ, 5 साल से दवाई खा रहा हूँ लेकिन मेरी खांसी ठीक नहीं, मेरे पेट में समस्या थी, आजकल तो आईबीएस बोलने लगे हैं उसको, आईबीएस हो गया जी, मुझे ठीक नहीं हो रहा। मेरे पास भी आते हैं 20-20 साल से दवाई खाने वाले लोग आते हैं। तो कारण ये है कि आयुर्वेद की जो बेसिक फॉर्मुलेशंस थी उन फॉर्मुलेशंस को बदल दिया गया और जब बदल दिया गया तो हम आयुर्वेद की दवाई खाते रहते हैं वो उतना असर नहीं कर पाती। लेकिन हमारे देश की खुशकिस्मती कहिए, आयुर्वेद की खुशकिस्मती कहिए कि जब अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ पे हमें गाय ही नहीं छोड़नी है, गाय के कत्लखाने बना दिए, गाय खत्म करनी शुरू कर दी और गाय के स्थान पर विदेशी गाय और भैंस इस देश में स्थापित कर दी, तो वो भूल गए कि भाई जो पंचगव्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जब गाय ही नहीं बचेगी तो इस तरह की चिकित्सा कौन कर पाएगा, पंचगव्य चिकित्सा कर ही नहीं पाएंगे। तो पंचगव्य को उन्होंने जानबूझ करके इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया कि भाई शायद ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वही चिकित्सा प्रणाली हमारे भाई राजीव दीक्षित जी, महर्षि वाग्भट जी को उन्होंने पढ़ करके वो सूत्र उन्होंने याद किए और उन्होंने, भाई राजीव दीक्षित जी ने इस चिकित्सा प्रणाली को दोबारा भारतवर्ष में खड़ा किया। उनके बहुत सारे साथी जो जिन्होंने इस पर काम किया, गाय के ऊपर काम किया, पंचगव्य के ऊपर काम किया और विधिवत रूप से इसको स्टार्ट किया दोबारा से देश में, हम लोगों ने भी उसी समय उनसे, उनके साथ ही काम स्टार्ट किया, सीखा और इसको जब देखा, इसके प्रभाव जब देखे, इसको जब जाना और जब लैब में टेस्टिंग होके आने शुरू हुई तो पता चला कि पंचगव्य क्या करता है कि जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां,
जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, यदि उनके साथ कॉम्बिनेशन बना दें हम पंचगव्य का, तो उसको 20 गुना ज्यादा तक उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देते हैं। यानी कि आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उनको, उनकी कार्य क्षमता 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और व्यक्ति जो 20 साल में ठीक नहीं होता था वो 2 महीने में 3 महीने में ठीक होने लग जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हमने किए, हजारों पेशेंटों पे प्रयोग किए, कैंसर के पेशेंट पे हमने प्रयोग किए, लीवर सोरोसिस के पेशेंटों पे हमने प्रयोग किया, हार्ट पेशेंटों के ऊपर हमने प्रयोग किया, पैरालिसिस के ऊपर प्रयोग किया, पैरालिसिस के जो बेचारे 10-10 साल से जिनको पैरालिसिस हो रखा था, अंग उनके टेढ़े हो रखे थे, वो भी धीरे धीरे ठीक होते चले गए, उन पे भी कार्य हुआ। उसके अलावा पेट के रोग, आईबीएस के रोगों पे हमने काम किया, तो आईबीएस के रोगी मुश्किल से 4 से 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए, उनको दोबारा दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। इसी तरह से लीवर फेलियर वाले, जिनका लीवर बिल्कुल फैटी लीवर हो जाता है, एलोपैथी में जाएंगे तो कहते हैं ट्रांसप्लांट ही इसका उपाय है, उन लीवर सोराइसिस जैसी घातक बीमारियों पे भी हमने काम किया, तो उस बीमारियों के ऊपर भी बहुत जबरदस्त सफलता हमें मिल गई। मतलब लीवर सोराइसिस के पेशेंट भी बिल्कुल जड़ से ठीक होते हैं। किडनी पे हमने काम किया, किडनी ट्रांसप्लांट की इतनी भयंकर समस्या इस समय चल रही है देश में कि किडनी लेवल बढ़ा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने की डॉक्टर्स बोल रहे थे जी ट्रांसप्लांट पे आपको आना पड़ेगा, 4 से 5 6 किडनी लेवल होते ही ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे किडनी फेलियर के पेशेंटों पे हमने काम किया और अभूतपूर्व सफलताएं ऐसे पेशेंटों पे भी हमें मिली। तो कहने का तात्पर्य है कि पंचगव्य सिस्टम मेडिसिन से कोई भी बीमारी बची नहीं, हर जितनी भी घातक बीमारी आज की अपडेट में कह सकते हो, उन सब पे पंचगव्य आयुर्वेद बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है और बहुत ही कम खर्चे में। यानी कि मैं कहूं कि जितने में एलोपैथी में केवल टेस्ट होते हैं उतने में यहाँ पे इलाज होकर ठीक होकर चले जाते हैं लोग। तो ये अपनी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, बहुत सरल है, सहज है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका लाभ लें, बहुत सरल है, सुलभ है, हर व्यक्ति को ये आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें, लाभ लें और पंचगव्य चिकित्सा को अपनाएं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि यज्ञ थेरेपी, अग्निहोत्र थेरेपी जिसको है, बहुत ही सूक्ष्म है, हमारी अपनी है, इसको हमें हर घर में स्थापित करना है, उस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है समय आप ज्यादा से इजाजत नहीं दे रहा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कुछ और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो जाते जाते हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर आर्य जी, एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं कि आप जो पंचगव्य चिकित्सा प्रणाली के बारे में बता रहे हैं, इसको मतलब कैसे अपनाया जा सकता है? मतलब इसको लिए, इसके लिए किसी औषधि को लेना पड़ेगा? ये रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, इसको कैसे लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आजकल वास्तव में पंचगव्य में जो गौमूत्र से बनी औषधियां हैं उनको आप यूज कर सकते हैं और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसके साथ साथ पंचगव्य का मतलब है गाय का दूध, गाय का घी, गाय की छाछ, ये तो आप सीधे रूप में ले सकते हैं। यानी कि गाय का घी का प्रयोग करिए तो आपने पंचगव्य का उपयोग कर लिया, गाय की छाछ का प्रयोग किया तो आपने पंचगव्य का उपयोग कर लिया, गाय के घी से आपने भोजन बनाया, गाय के घी को आपने भोजन में लिया तो भी आपने पंचगव्य का उपयोग कर लिया। और इस प्रकार से आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे केवल ये साधारण सा चेंज करके अपने जीवन में। धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। जी स्वागत जी। रीना जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। सर ये जो आपने यज्ञ थेरेपी बताई है तो वो कितनी देर तक करनी चाहिए सर, और कोई मंत्र के साथ करनी चाहिए या ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, देखिए गायत्री मंत्र हम सबको आता है, तो स्वामी जी ने भी इस गायत्री मंत्र के साथ ही प्रयोग किए हैं और इन्होंने पाया है कि 17 से 18 सेकंड में गायत्री मंत्र का एक आहुति हो जाती है। तो उसने गायत्री कुछ नहीं आए तो गायत्री मंत्र से कम आप 16 आहुति डाल दीजिए, 32 डाल लीजिए, 64 आहुति डाल लीजिए, तो जितनी भी आप चाहे उतनी आहुति आप डालिए, मिनिमम 16 आहुति तो डालनी ही चाहिए। तो 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, एक घंटा, जिस दिन समय ज्यादा हो तो ज्यादा करिएगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। सर इसमें कपूर भी डालना चाहिए? जी कपूर भी डालना चाहिए इसमें? कपूर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जरूरत होती है, और उसकी वैसे तो मैं कहूंगा कि बहुत आवश्यकता होती नहीं है। तो रुई होती है ना, रुई की बत्ती बना करके उस घी में डुबा करके अग्निहोत्र, उसी से आप अग्नि प्रज्वलित कर सकती है, क्योंकि कपूर जब जलाएंगे तो धुआं भी बहुत सारा उठता है, पोल्यूशन होता है। गाय का घी सर्वोत्तम, देसी गाय के घी से आप करेंगे तो बहुत चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे, आप घर में भी देखेंगे, आप करेंगे तो घर में। कौन से ब्रांड का लें सर, जो शुद्ध हो, कौन से ब्रांड का लें? जो देखिए ब्रांड में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके संपर्क में जो देसी गाय के लोग हैं उनसे आप मिलिए,
उनसे आप लीजिए, विश्वास पे चलता है कि कंपनी कोई नहीं बना पाएगी उस लेवल का। यही तो सर नहीं मिल पाता सर। कहीं ना मिल पाए तो हमारा आप नंबर ले लीजिए, हम यहाँ से भेज देंगे आपको। ठीक है सर, बोलिए सर। हमारा नंबर है 8868 6031 1141। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, अपना एड्रेस बताएंगे तो आपको घर पे कोरियर के द्वारा ही भिजवा देंगे। 1 kg और ऐसे 1 kg 1/2 kg इसको। हाँ थैंक यू सर, स्वागत। सर ऐसी कोई पंचगव्य की कोई ऐसी और भी चीज हो जिससे कि डेली अपन खा सके, मतलब या फिर ये? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया ना, संजीवनी रस एक औषधि है, एक टॉनिक कह लीजिए आप उसको, जो आपके सभी जितने भी हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब पे काम करती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गीताजी संजीवनी रस रखा है क्या? अभी मंगाता हूँ। मतलब यहाँ कहीं भी मिलेगी या फिर आपके वहीं से मंगाएं? कोरियर से मंगा सकते हैं, बाकी जो पंचगव्य के डॉक्टर्स हैं उनके पास भी मिल जाएगी। तो सर ये स्वस्थ व्यक्ति भी डेली ले सकता है? कोई भी व्यक्ति ले सकता है, ये टॉनिक की तरह है संजीवनी रस, और इसको लेने के बाद आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है, कैल्शियम के लिए अक्सर कोई गोली की आवश्यकता नहीं है। संजीवनी तो सर ये कैसे कह रहा होगा, लिक्विड है ये जी? लिक्विड में बेस में है सर ये क्या? आपकी आवाज साफ नहीं आई मुझे सर, ये लिक्विड बेस में है या कैसे है? हाँ लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको एक गिलास पानी में 30 ml मिला करके पी सकते हैं व्यस्क लोग, और जो छोटे बच्चे वो 1 चम्मच 10 ml। अलग अलग स्वाद में इसको तैयार कराया हमने ताकि बच्चे भी पी सकें। स्ट्रॉबेरी टेस्ट है, मैंगो है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल फ्लेवर, ये 4-5 फ्लेवर में इसको हमने तैयार कराया ताकि बच्चे भी इसको आराम से पी सके और वो भी स्वस्थ रह सके। उसका भी हमने सॉरी सर, दिन में कभी भी ले सकते हैं ऐसे, मॉर्निंग में या खाने के बाद या पहले ऐसे क्या? हाँ सर्वोत्तम है कि सुबह खाली पेट लीजिए, सर्वोत्तम ही है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आप जो है बाकी चीजें का सेवन नहीं करेंगे तो पूरी तरह से आपके शरीर में जाकर के मिलेगा और काम करेगा। तो एक बहुत ही अच्छा हेल्थ टॉनिक है ये, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर आरे आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा क्लिनिक रोहिणी सेक्टर 15 में है, आप चाहे तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। प्लीज बता दीजिए। हाँ आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड, वैदिक चिकित्सालय। हाँ आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड, F20/81। हाँ जी सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली। M20 बताया आपने, Mother 20। F4 flag 20। अच्छा F20/81 ठीक, सेक्टर 15 रोहिणी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये इस तरह से फॉर्म में है, संजीवनी रस की जो मैं बात कर रहा था इस प्रकार से है, बहुत ही ये स्वाद में इस तरह से तैयार किया था कि बच्चे भी इसको पी सके आराम से, और उनको भी सारे मल्टीविटामिन्स और एंटी जो क्लॉटिंग एजेंट्स हैं उनके शरीर में जाते रहें ताकि किसी प्रकार से क्लॉटिंग ना हो। 2 चम्मच ले लें सर ये 1 गिलास? हाँ, 1 गिलास में 2 चम्मच लेते रहेंगे, और जूस जूस की तरह है बिल्कुल, इसको आप स्वस्थ रह पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आर्या जी, थैंक यू रीना जी, थैंक यू राजेश जी। एंड अभी जैसे टाइम हो रहा है तो हमें सेशन वाइंड अप करना होगा, हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बट 1 घंटे में आपको ये समझ में आया होगा आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, अपनी मिट्टी की तरफ वापस आना है। आप सभी को मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी, और सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर आर्या जैसे लोगों की ही हमें ज़रूरत है ताकि जो लोग भटक गए हैं उन्हें हम वापस लेकर के आ सकें। सो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर आर्या जी, धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र के साथ समापन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः।
शांति ही, शांति ही। सभी को